Good morning students, welcome back in English class. Today once again we are going to discuss about invitations and today we are going to start with formal invitation. आज हम formal invitation से start करने जा रहे हैं इसकी informal नहीं आज का discussion होगा only formal invitations उतना format देखेंगे. मान लीजिए exam में question आता है कि suppose कि ये question मैं आपको लिख के बता रहा हूँ. Your parents are going to celebrate birthday of your elder brother. क्वेश्चन देखिएगा, फिर रिपीट कर दूं. Your parents are going to celebrate birthday of your elder brother. कि आपके जो parents हैं, वो आपके बड़े भाई का birthday celebrate करने जा रहे हैं. यानी कि आपके बड़े भाई का birthday celebrate किया जा रहा है by your parents. किसके द्वारा? एक parents अपने parents के द्वारा. तो उसका formal invitation तैयार करो. Formal invitation का format तैयार करो. मैंने कुछ कहा था फॉर्मल इनविटेशन में सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ द होस्ट. तो उसमें पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, याद रखिएगा, मिस्टर एंड मिसेज और मिसेज एंड मिस्टर जो भी लिख सकते हैं. तो फर्स्ट आगे मैं क्या लिखूंगा? मिसेज एंड मिस्टर एस सी शर्मा. किसी का भी नाम लिख दिया मैंने, नेम डजंट मैटर. एग्जाम में नाम तो लिखा हुआ आ सकता है बिल्कुल, लेकिन मेरे को फॉर्मेट देख रहे हैं. ये फर्स्ट जो लाइन होगी वो क्या हो गया होगा? ये किसका नाम हो गया? नेम ऑफ द होस्ट. ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट. थोड़े से बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले देख लेते हैं. सॉलिसिट, सेकेंड लाइन लिख सकते हैं आप. सॉलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द, ऐसा नहीं कि लाइन आपको कैंटीन में लिखनी, मिडिल में लिखनी है, कोई भी वर्ड कहां जाए फर्क पड़ेगा. ऑन द ऑस्पिशियस, यानी शुभ बोलते हैं इसे, शुभ अकेजन ऑफ बर्थडे. इसको कैपिटल लिख सकते हैं. बर्थडे पार्टी ऑफ डियर सन, वो भी नाम लिख सकते हैं, कमल. इसको क्या है, कैपिटल लिख सकते हैं. ये कह रहा है कि मिसेज मिस्टर एस सी शर्मा है, वो आपको सादर आमंत्रित करते हैं बर्थडे पार्टी पर. और वो भी किसकी बर्थडे पार्टी? उनके बेटे की पार्टी. तो भी नेम मेंशन कर सकते हैं यहां पर. अब आप उनके लिए वेन्यू प्लेस दे आएगा. ऑन कोई भी डेट हिंदी में 25 अक्टूबर 2020 एट हाउ डेड आपनो राजस्थान, होटल आपनो राजस्थान फ्रॉम टाइमिंग टाइम क्या आपको फ्रॉम की जगह आप याद रखें एट भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा. 7 PM ऑनवर्ड्स, मतलब 7 बजे से शुरू होगी, फॉलोड और साथ साथ इसके बाद ये पार्टी किससे फॉलो की जाएगी? फॉलो बाय द डिनर. ठीक है, इसके बाद क्या होगा? डिनर पार्टी का ऑर्गेनाइज होगा. क्या लिखा आपने? मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर एस सी शर्मा रिक्वेस्ट द डिनाइन प्रेजेंस. इस लाइन जो लाइन लिखी मैंने सॉलिसिट, इस ये जो सॉलिसिट वर्ड है एस एल आई सी आई टी, इस वर्ड की जगह चाहे इस पूरी लाइन की जगह लिख सकते हैं. इस पूरी लाइन की जगह रिक्वेस्ट द प्लेजर, देखिएगा इधर R E Q U E S T, ये बुक के अंदर ज्यादा वर्ड यही लिखा है. रिक्वेस्ट द प्लेजर, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ऐसा लिखा है.
On 29 October 2020, it hotel after Rajasthan from 7 p.m. onwards, followed by a dinner. ये हो गया आपका invitation. इधर बिल्कुल left में आप लिखेंगे R S V P. R S V P में क्या करेंगे? जो issue करा उसका नाम आ जाएगा. किसका नाम आ जाएगा? Mr. S C Sharma का father का नाम लिखते थे. Mr. S C Sharma. आप चाहे तो उसका address mention कर सकते हैं. ठीक है, एड्रेस लिख सकते हैं आप और नंबर मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं आप. ठीक है, मोबाइल नंबर, ये तीन चीज देखिएगा. यहाँ पर आरएसयूपी का मतलब क्या है बेटा, ये भी जानना जरूरी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएसयूपी? आरएसयूपी एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा. ये एक फ्रेंच वर्ड है. आरएसयूपी जो है वो एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, फ्रेंच लैंग्वेज है. इसका मतलब होगा, आर का मतलब फ्रेंच में होगा रेस्पॉन्डेंस, S means sil, V means wise, sil wise, overs, and T means plate. ये French word है चारों, याद रखिएगा, ये चारों ही French word है. S R means respondents, S sil, vows, plate. R S V को अगर हम English में translate करें इस French word को, तो इसका meaning निकलता है reply please. रिप्लाई और रेस्पॉन्स भी लिख सकते हैं चाहे तो. रेस्पॉन्स प्लीज, इसका जरूर क्या दीजिएगा? रेस्पॉन्स दीजिएगा. रेस्पॉन्स प्लीज इन द एक्सपेक्टेशन इन योर रिप्लाई, यानी कि इस इनविटेशन का अगर कोई भी रिप्लाई देना चाहता है तो इस पर्सन को इस एड्रेस पर और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर रिप्लाई दे सकता है. तो व्हाट इज आरएसयूपी? आरएसयूपी एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है जिसकी फुल फॉर्म होगी रेस्पॉन्डेंस सिल वाउस प्लेट. इट मींस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? रेस्पॉन्स प्लीज, रिप्लाई प्लीज, या इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रिप्लाई, यानी कि आपके जवाब की प्रतीक्षा में. ये फ्रेंच वर्ड है, इसको मत भूलिएगा. और इधर क्या लिखेंगे? राइट साइड में कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा. आप लिख सकते हैं विद बेस्ट, सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी एस, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, यानी कौन सी फैमिली की तरफ से है ये? शर्मा कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम शर्मा फैमिली, शर्मा परिवार की तरफ से. बहुत बहुत बधाई है आपको. और विल बी क्लोज इस कंप्लीट को, इस कंप्लीट इनविटेशन को यहां से हम लिख लेते हैं. इट विल बी क्लोज इन अ बॉक्स, ये फुल फॉर्म में यहां साइड में लिख दीजिएगा. ठीक है, ये फुल फॉर्म का साइड में लिख दीजिएगा. इट विल बी क्लोज इन अ बॉक्स, इसे हम बाहर क्लोज कर देंगे, एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे, याद रखिएगा. तो आपने क्या क्या चीज फॉलो की वो देख लेते हैं. द्वारा नेम ऑफ द होस्ट, आपने तो किसके नेम लिखा है? होस्ट का नाम लिख दिया. नंबर टू, ये जो हो गया आपका, वो क्या हो गया? फॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल का फॉर्मल बना दिया आपने. आप किसको इनवाइट कर रहे हैं वो भी नाम लिख सकते हैं, याद रखिएगा. अब मान लीजिए आपको अमित नाम के किसी पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं तो वो नाम कहां आएगा? विशेष मिस्टर एस सी शर्मा रिक्वेस्ट पॉलिसी अमित, यहाँ आ जाएगा योर की जगह उस पर्सन का नाम जिसको इनवाइट करना है, याद रखिएगा. जिसको इनवाइट करना है उसका नाम योर की जगह आएगा. ये तो एक फॉर्मेट है. यहाँ पर जो बर्थडे है ये आपका हो गया ई वी ई एन टी, क्या हो गया? इवेंट. ये जो होटल आपको राजस्थान है ये आपका हो गया वी ई एन यू ई. ये जो डेट लिखी मैंने ये आपकी हो गई डेट. टाइमिंग डे भी लिख सकते हैं, टाइमिंग जो होगी टाइम जो हो गया आप चाहे तो डे वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूजडे आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट हो गया, फॉर्मल फॉर्मल का फॉर्मेट हो गया, इवेंट हो गया. अच्छा यहां पर पर्पस क्या है? अकेजन क्या है? अकेजन लिख दिया आपने, अकेजन लिख दिया. बर्थडे पार्टी है, इसकी बर्थडे मेंशन कर दिया. वेन्यू डे टाइम डेट एवरीथिंग आ गया. आरएसयूपी आ गया, कॉन्टेक्ट हो गया आपका, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल हो गया. आरएसयूपी मैंने भी बताया, आरएसयूपी फ्रेंच वर्ड है. आरएसयूपी का मीनिंग होता है फ्रेंच लैंग्वेज में रेस्पॉन्डेंस सिल वाउस प्लेट. इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा रिप्लाई प्लीज और इन योर इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई की प्रतीक्षा में. ठीक है, रिप्लाई प्लीज, अगर आपको रिप्लाई देना है यहां दे सकते हैं. और ये लाइन हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्स. ये फॉर्मेट है किसका?
फॉर्मल कब, इसलिए स्कूल लेवल पर भी इश्यू होते हैं वो भी है, लेकिन याद रखिए इतना सफिशियंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके इन्विटेशंस का फॉर्मेट नहीं पूछेगा आपसे, ओनली रिप्लाई पूछेगा। और रिप्लाई मैंने पहले बता दिया, देयर आर टू रिप्लाईज, एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल। अगर आप मान लीजिए इसी कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं तो इट विल बी एक्सेप्टेंस, बट इफ यू डिनाई, अगर आप मना करते हैं, इट विल बी रिफ्यूजल और डिक्लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मल के और इनफॉर्मल के रिप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल, इट मीन्स मोर टू डेज में कंप्लीट हो जाएगा आपका।